मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राजू कुमार गुरुकुल प्राइवेट आईटीआई पथरगामा की तरफ से इस ऑनलाइन लर्निंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम सभी को पता है कि प्रीवियस क्लास में जो है हम लोगों ने लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल के बारे में चर्चाएं कर रहे थे, यानी वेस्ट डिस्पोजल का ही टॉपिक हम लोगों का कुछ दिन से चल रहा है। इनमें से हम लोगों ने नाइट सॉइल, सॉलिड वेस्ट, इन सब के बारे में जान लिया था। अब जो है हम लोग जानने जा रहे हैं वो है लिक्विड वेस्ट। इसके बारे में भी मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को समझा चुका है। अब जो है मैं इसी का एक नोट्स लेकर आया हूँ, इसके माध्यम से भी मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएं। यानी लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल, तरल अपशिष्ट निपटान। चलिए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल, अगर इसमें हम लोग को कोई पूछे कि लिक्विड वेस्ट क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि तरल अवशिष्ट पदार्थ से तात्पर्य उस कूड़े कचरे से है जो तरल रूप में होता है, यानी लिक्विड रूप में होता है। जैसे अगर एग्जांपल बताएं तो सीवर का पानी, सीवेज के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका है। घरों का गंदा पानी, यानी घरों का गंदा पानी से क्या मतलब है कि घरों में भी हम लोग बहुत सारे वाटर का यूज करते हैं, उसमें से क्या होता है कि जैसे कपड़ों को धोए, सब्जियों को धोए, फलों को धोए, और वो पानी हम लोग क्या करते हैं, पोछा लगाए या समथिंग बहुत सारा काम किए, तो ऐसे भी गंदे पानी घरों से निकलते हैं। तो घरों का गंदा पानी कहने का मतलब यही होता है। उद्योगों का तरल रासायनिक पदार्थ, अब फैक्ट्रियों से क्या होता है कि कई केमिकल्स भी निकलते हैं, रासायनिक पदार्थ भी निकलते हैं, साथ ही साथ इसमें सिंचाई क्षेत्र का गंदा पानी भी आता है। किसमें? तरल अवशिष्ट पदार्थ में, यानी लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल में। अब क्या होता है कि इस तरल कचरे में बहुत सारे अस्वच्छ व गंदे खतरनाक घुलनशील पदार्थ क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं। यानी देखिए, जब इसमें गंदगी होगा, कुछ खतरनाक अवशिष्ट पदार्थ घुला हुआ रहेगा, तभी ना हम लोग इसको वेस्ट मानेंगे, नहीं तो फिर वेस्ट मानने का क्या जरूरी है। इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है कि अस्वच्छ व खतरनाक घुलनशील पदार्थ मिले होते हैं। किसमें? लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल में। अब साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि तरल कचरे में जो है 99% जल एवं 1% सॉलिड कचरा होता है, यानी कि ठोस कचरा मौजूद होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीवर के नाम से भी जानते हैं, है कि नहीं। अब चलिए आगे चलते हैं। गंदे तरल अवशिष्ट में जो है बहुत सारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया पनपते हैं, कई कीड़े पनपते हैं। देखे होंगे आप लोग भी कि पानी जब एक जगह पे गंदा हो जाता है, बहुत दिनों तक रह जाता है, तो उसमें क्या हो जाते हैं, कीड़े उत्पन्न होने लगते हैं। और साथ ही साथ ये गंदा पानी को क्या करते हैं, पीने से या यूज करने से हमें पेट संबंधित बहुत सारे बीमारियां हो सकती हैं, या इनके अलावा भी बहुत सारे रोगों को क्या होता है, ये जन्म देती हैं। तो ये था हमारा लिक्विड वेस्ट, क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये लिक्विड वेस्ट जो होता है, यानी इनका स्रोत क्या है, इनके सोर्सेस क्या है, वो हम लोग जानते हैं। फर्स्ट जो हम लोग का है वो है ब्लैक वाटर फ्रॉम सीवेज, यानी क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, काला पानी बोल सकते हैं। कहाँ से आता है ये? सीवेज का पानी, यानी सिंपल सी वर्ड्स में आप लोग सीवेज का पानी भी इसको बोलिए या ब्लैक वाटर फ्रॉम सीवेज बोलिए। अब सीवेज का गंदा पानी जो रहेगा वो तो काला ही दिखेगा, आप लोग देखे होंगे नालियों में बहता है कि नहीं। तो ये सारे चीजें जो है ब्लैक वाटर फ्रॉम सीवेज, यानी सीवेज का गंदा पानी, आप लोग देखे होंगे कि नालियों में जो है गंदे गंदे काले काले पानी बहते हैं, तो वही जो है हमारा क्या है, ब्लैक वाटर फ्रॉम स्वेज, यानी सीवर का पानी। नेक्स्ट जो है वो हमारा है ग्रे वाटर और स्लेज वाटर, यानी कि कूड़े का पानी, जो कूड़े कचरे का पानी होता है वो होता है हमारा ग्रे वाटर एंड स्लेज वाटर। अब इन दोनों पॉइंट्स को जो है हम लोग बारी बारी से जानते हैं। देखिए, ब्लैक वाटर फ्रॉम सीवेज, ये क्या होता है कि इस प्रकार के तरल अवशिष्ट में पशुओं, मानवों के मलमूत्र के तरल अवशिष्ट एवं गलियों के नालियों
नालियों के तरल गंदगी। अब देखिए, पशुओं का मल मूत्र हो गया, इसमें आता है। साथ ही साथ गलियों में जो क्या होते हैं, जो नालियां होती हैं उनमें क्या होते हैं, गंदे गंदे पानी बहते हैं, वो हो गया। या फिर कारखाने या उद्योगों से जो रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, तरल गंदगी निकलता है, वो हो गया। इनके अलावा क्या होता है, कई तेल भी, ऑयल्स बहते रहते हैं, ग्रीस बहते रहता है, मोबिल बहते रहता है, ये सारे चीज़ें जो हैं हमारा क्या के अंतर्गत में आते हैं, ब्लैक वाटर यानी स्वेज वाला पानी के अंतर्गत में आते हैं। नेक्स्ट है ग्रे वाटर और स्लेज वाटर। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के तरल अवशिष्ट में घरों के रसोई का गंदा पानी, अब घरों के रसोई का गंदा पानी क्या होता है कि जैसे पशुओं के पीने का पानी, हम लोग माल जाल को, गाय बकरी को क्या करते हैं, पानी पिलाते हैं। अब उनको हम पानी पिला दिए, अब वो बच गया तो उसका पुनः उपयोग हम नहीं करते हैं, उसको वेस्ट मानकर फेंक ही देते हैं, है कि नहीं। हाँ, साथ ही साथ इसमें सब्जियों व फलों के धोने का पानी, सब्जियों को धो लिए, फलों को धो लिए और क्या कर दिए, वो पानी बेकार मान करके हम लोग उसको गंदा मान करके फेंक दिए, ये सारे यानी इस प्रकार के जो भी गंदे पानी होते हैं उसको हम लोग शामिल करते हैं किसमें, ग्रे वाटर या फिर स्लज वाटर में। साथ ही साथ क्या होता है कि इस प्रकार के अवशिष्ट में जो है हम लोग किसी औद्योगिक रसायन को या फिर खतरनाक तरल गंदगी को नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग उसको किस में रख चुके हैं, ऑलरेडी उसको हम लोग सीवर के पानी में रख चुके हैं, तो इसमें से रखने का क्या जरूरत है, दोबारा नहीं रख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी किए हैं तो, है कि नहीं। यानी ग्रे वाटर में जो है इतना याद रखना है कि जो भी मल मूत्र होते हैं या फिर जो रसायन खतरनाक तरल अवशिष्ट होते हैं उनको हम जो है ग्रे वाटर कैटेगरी में नहीं रखते हैं, उनको हम स्वेज वाटर या ब्लैक वाटर कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है कि कूड़े का पानी यानी स्लज का उपयोग जो है हम लोग कृषि क्षेत्र में सिंचाई करने के लिए या पौधों को पानी देने के लिए, सफाई करने के लिए, या सड़कों पर देखे होंगे आप लोग क्या होते हैं, गर्मी के दिन में धूल उड़ता है, इसीलिए हम लोग उस पर क्या करते हैं, छींटा मारते हैं ताकि ज़्यादा धूल ना उड़े। इन सब के कामों में क्या करते हैं हम लोग, ग्रे वाटर या स्लज वाटर का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ सीवेज के पानी का उपयोग जो है हम लोग देखें कि कहीं भी बिना उपचार का नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए अफेक्ट्स ऑफ लिक्विड वेस्ट ऑन हेल्थ। अब जो ये लिक्विड वेस्ट होता है, तरल अवशिष्ट होता है, ये हम लोग के स्वास्थ्य पर या पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालता है, इन चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे तरल गंदगी में जो है हम लोग जान चुके हैं 99% जल होता है और 1% ठोस गंदगी होता है। साथ ही साथ इसमें कुछ जैविक पदार्थ भी होते हैं जैसे कि सब्जी या फलों के छिलके, पशुओं के मल मूत्र या भोजन के अंश, ये सारे जैविक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। इनके अलावा जो है कुछ अजैविक पदार्थ भी होते हैं, बाल, नाखून, साबुन, कपड़े के टुकड़े, प्लास्टिक के जैसे अघुलनशील तत्व इसमें क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं। किसमें, लिक्विड वेस्ट में। अब जब इनमें उपस्थित ठोस पदार्थ सड़ते हैं तो क्या होता है, उससे जो है बहुत सारा बदबू उत्पन्न होता है। फॉल ऑल्डर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, इससे क्या होता है, बदबू उत्पन्न होता है जब सड़ गल जाएगा तो, और साथ ही साथ बदबू उत्पन्न होगा तो क्या करेगा, हमारे पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को, वातावरण को ये क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। और इतना भी होता है कि इसमें जो है मक्खी मच्छर जो है उत्पन्न होते हैं और ये अनेक रोगों का कारक बनते हैं, वाहक बनते हैं, जिससे हम लोग क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, हमारा आसपास का वातावरण गंदा हो जाता है कि नहीं। साथ ही साथ क्या होता है कि इसमें हम लोग को क्या क्या इफेक्ट मिलता है कि जब तरल गंदगी को हम सड़क पर बहा देते हैं तो बहाने से क्या होता है कि इसके अंश जो है वो मिट्टी में समा जाते हैं, अब जब मिट्टी में समा गए तो मैं आप लोगों को बताया था कि क्या होता है कि जो भी भौम जल होता है, नीचे का जल जिसको हम लोग निकालते हैं चापाकल द्वारा, पंप द्वारा, वो क्या होते हैं, गंदे हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं, वो उपयोग लायक नहीं हो जाते रहते हैं, है कि नहीं। साथ ही साथ जब हम इस तरल गंदगी को क्या करते हैं कि नदी, तालाब या समुद्र आदि में बहाते हैं तो इसके जो भी गंदगी होती है वो क्या होता है, तालाब और समुद्र के पानी को जो है दूषित कर देता है
और जब इस पानी को मानव या पशुओं द्वारा उपयोग किया जाता है तो उनके रोग ग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, गंदा पानी हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग को रोग पकड़ेगा ही। तो यही चीज़ है कि इफेक्ट्स ऑफ लिक्विड वेस्ट ऑन हेल्थ, यानी हम लोग के हेल्थ पर, हम लोग के स्वास्थ्य पर जो है तरल अपशिष्ट क्या करता है, प्रभाव डालता है, यानी निगेटिव प्रभाव ही डालता है। साथ ही क्या होता है कि तरल गंदगी के दूषित पानी में नहाने से जो है हम लोगों का स्किन संबंधित डिजीज होता है, यानी त्वचा संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। हम लोगों के क्या होते हैं, देखे होंगे कईयों के ऊपर वाला चमड़ी में कुछ बीमारियां हो जाती है, चर्म रोग जिसे बोलते हैं, है ठीक है। ओके नेक्स्ट। अब देखिए, इसके अलावा कई बार क्या होता है कि अगर तरल गंदगी को सीधे सड़क पर या कच्ची जगह पर हम लोग बहा देते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, आप लोग देखे होंगे कि काई जम जाता है, वो क्षेत्र जो है बहुत फिसलन हो जाता है, हम लोग उस पर चल नहीं पाते हैं ठीक से। अगर चलेंगे तो धड़ाम धड़ाम से इधर उधर हम लोग क्या करते रहेंगे, गिरते रहेंगे। और इसमें होता क्या है कि तरल गंदगी को पीने में, अगर पीने के पानी में क्या करते हैं, बहा दिया जाए, तो पानी को बिना स्वच्छ किए अगर साथ ही साथ हम लोग पी लिए तो उससे भी जो है हम लोग के स्वास्थ्य को बहुत ही नुकसान पहुंचता है, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इन लिक्विड वेस्ट को जो है कैसे निपटान करें। अभी तक तो हम लोगों ने जाना कि लिक्विड वेस्ट क्या होता है, उनका सोर्सेस क्या है, स्रोत क्या है, और साथ ही साथ लिक्विड वेस्ट यानी तरल अपशिष्ट जो है हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालता है, क्या निगेटिव इफेक्ट डालता है, ये सारे चीज़ें जो है हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि हम जो है इनका निपटान कैसा करें, इनका डिस्पोजल हम कैसे करें, ये चीज़ हम लोग समझते हैं। तो होता क्या कि वातावरणीय स्वच्छता एवं मानवीय स्वास्थ्य की दृष्टि से तरल गंदगी का निपटान करना क्या है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर तरल गंदगी का जहरीले व खतरनाक पदार्थ को क्या करते हैं, वातावरण को दूषित करते हैं, और अगर हम इसका सही ढंग से निपटान नहीं किए करते हैं तो ये बहुत ही क्या होते हैं, हमारे स्वास्थ्य पर खतरनाक प्रभाव, हम लोग बोल सकते हैं कि ये हानि पहुँचाते हैं। तो इसीलिए जो है इनका निपटान करना हमें बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के तरल गंदगी को निपटाने के लिए सुरक्षित तरीके दो हैं, यानी पहला जो है निर्जलीकरण और दूसरा है अवसादन, यानी कि अनहाइड्रेशंस और सेडिमेंटेशंस, इन दोनों को हम लोग बारी बारी से जानते हैं। इनके अलावा और भी है, जैसे वहाँ पे अनहाइड्रेशन जाना वही चीज़ होता है, यहाँ पे भी डीवाटरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी अनहाइड्रेशन बोलो या फिर डीवाटरिंग बोलो, दोनों सेम ही चीज़ है। सेडिमेंटेशन अवसादन, एक होता है रूट जोन, इसका हिंदी मैंने नहीं लिखा है, रूट जोन का रूट जोन ही होता है। कंपोजिटिंग यानी कि खाद बनाना, है कि नहीं। अब इन पॉइंट्स को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, डीवाटरिंग यानी निर्जलीकरण क्या होता है, उद्योगों के तरल अपशिष्ट को निर्जलीकरण विधि द्वारा क्या किया जाता है, गंदगी में से सारे पानी की मात्रा को खींच लिया जाता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ ठोस अपशिष्ट ही बचता है। यानी जो भी उद्योग होते हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, उसमें क्या होते हैं, इसको जो डिस्पोजल करने का तरीका होता है, यानी कि जो भी तरल वेस्ट उन लोगों का बचा, उनको क्या करते हैं, पानी जो उनसे, उनमें जो भी पानी की मात्रा होती है उसको हम लोग पूरी तरह से सुखा देते हैं, और इतना सुखा देते हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाता है, ठोस पदार्थ ही रह जाता है। अब इसी ठोस पदार्थ को फिर से हम लोग क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन यानी कि अवसादन विधि के द्वारा उसका फिर से उपचार करते हैं हम लोग। अवसादन विधि में क्या होता है, अवसादन विधि में मैंने बताया था आप लोगों को कि कोई भी चीज़ में हम लोग क्या करते हैं, उस जो भी तरल अवशिष्ट होते हैं उसमें जो भी कण मौजूद होते हैं वो जो है किसी एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, टैंक बोले या फिर डब्बे बोले, उसमें क्या होता है, नीचे तली पर जो है उसके सारे ठोस कण बैठ जाते हैं। यानी इसी प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेडिमेंटेशन बोल सकते हैं, यानी किसी तरल में उपस्थित कणों का जमीन में बैठ जाना ही हमारा क्या होता है, अवसादन की प्रक्रिया कहलाता है। यानी निर्जलीकरण उसका हम कर लिए, सारा का सारा पानी की मात्रा को खींच लिए, इसके बाद फिर उसको हम लोग सेडिमेंटेशन के लिए भेज दिया। अब वहाँ पे भी क्या हो जाते हैं, जो भी ठोस पदार्थ होते हैं वो उस तली में बैठ जाते हैं, बाकी जो बचे वो ऊपर रह जाते हैं, इस तरीके से इनका फिल्ट्रेशन भी हो जाता है।
है कि नहीं। साथ ही हम लोग देखते हैं इसलिए इसका मतलब है कि निर्जलीकरण की प्रक्रिया के बाद जो ठोस अवशेष बचता है, किसका मतलब मैं बता रहा हूँ, सेडिमेंटेशन, उसे पुनः क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया कराई जाती है ताकि जो भी लिक्विड वेस्ट है उसे पूर्ण रूप से क्या किया जा सके, स्वच्छ किया जा सके। यानी ये इस पॉइंट के कहने का मतलब ये हुआ कि डी वाटरिंग यानी निर्जलीकरण प्रक्रिया करने के बाद हम लोगों का जो भी ठोस अवशिष्ट बचता है उसको हम सेडिमेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट को पूर्ण रूप से अलग कर लेते हैं। अब देखिए साथ ही साथ इसमें क्या होता है, इंसिनरेशन के द्वारा भी हम लोग डिस्पोजल कर सकते हैं, ये मैंने सॉलिड वेस्ट में भी आप लोगों को बताया था, अब यहाँ तरल गंदगी में भी आ गया है कि नहीं। तरल गंदगी को निपटाने का सबसे अधिक प्रचलित विधि है जलाना, यानी कि इंसिनरेशन। अब इस तरल गंदगी को कोई उच्च ताप पर जलाकर क्या करते हैं, हम लोग नष्ट करते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा समझाना भी है नहीं क्योंकि आप लोग पिछले बार भी समझ चुके हैं। नेक्स्ट है रूट जोन, इस विधि का उपयोग भी तरल गंदगी के निपटान के लिए किया जाता है। जो तरल गंदगी घरों की रसोई, कृषि क्षेत्र की सिंचाई व नहाने धोने के कारण उत्पन्न होती है। अब देखिए रूट जोन में जिस तरल गंदगी का हम लोग स्वच्छ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो गंदगी जो है हमारे रसोई से आता है, यानी फल धो लिए, सब्जी धो लिए, चावल धो लिए, उसको हम फेंक दिए, ये सारे हो गए। कृषि क्षेत्र में सिंचाई कर लिए, पानी ज़्यादा हो गया, बच गया, नहा लिए हम लोग, वो भी पानी हम लोग का बह गया। तो इस टाइप के जो है जो भी तरल गंदगी होती है उसको हम लोग रूट जोन के माध्यम से क्या करते हैं, स्वच्छ करते हैं, उसका उनका निपटान करते हैं। अब रूट जोन विधि में क्या होता है कि तरल गंदगी को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है इसका, यानी हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से इसका वो यूज कर सकते हैं। जैसे इस प्रक्रिया में हम लोग देख सकते हैं कि सेडिमेंटेशन का इस्तेमाल होता है, फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल होता है, बॉइलिंग का इस्तेमाल होता है। सेडिमेंटेशन तुम बताया है मैंने औसाधन, फिल्ट्रेशन यानी कि छानने की प्रक्रिया होती है, साथ ही साथ बॉइलिंग उबालने की प्रक्रिया होती है। इन सारे माध्यमों से जो है हम लोग क्या करते हैं, पानी को स्वच्छ करते हैं, जो भी हम लोगों का तरल गंदगी होता है उसको स्वच्छ करते हैं। अगर हम लोग बोलें कि रूट जोन विधि में जो है सारे विधि मिलकर क्या करते हैं, जो भी तरल गंदगी होता है उसको स्वच्छ करते हैं। कौन कौन से विधि मिलते हैं इसमें रूट जोन में, तो सेडिमेंटेशन होता है, साथ ही साथ इसमें फिल्ट्रेशन होता है और बॉइलिंग भी होता है। अब जब हम लोग इस पानी को स्वच्छ कर लेते हैं तो इसका उपयोग हम लोग पीने के लिए नहीं करते हैं, पीने के लिए नहीं करना है इसको, जो है हम लोग क्या करते हैं कि पौधों में पानी देते हैं, कपड़े साफ करते हैं और साथ ही साथ पशुओं को जो है हम लोग क्या करते हैं, नहलाते हैं, इन पानी का उपयोग करते हैं। किनका, जो भी हम लोग का तरल गंदगी होता है जिसको हम लोग रूट जोन के माध्यम से पुनः उपयोग लायक बनाते हैं उस पानी का जो है हम लोग पौधों को सिंचाई देने, कपड़े धोने या पशुओं को नहलाने में ही यूज करते हैं, पीने वीने के काम में इसको नहीं लेना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है कंपोजिटिंग यानी कि खाद बनाना। अब क्या होता है कि जैविक तरल गंदगी जैसे सब्जियों व फलों का धोया पानी, चाय का पानी, सिंचाई का पानी, दाल चावल का पानी को यदि हम क्या करते हैं पौधों में डाला जाए तो जो तरल गंदगी है वो एक बेहतरीन क्या हो जाती है, खाद का रूप ले लेती है। क्योंकि इस प्रकार के तरल गंदगी में क्या होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, तो इससे क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी जो है बढ़ती है, बढ़ जाती है कि नहीं। ओके, अब देखिए ये सारे तो हम लोगों ने जान लिया। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जैसे कि यहाँ दिया है मैंने ऑयल और ग्रीस, इनको भी जो है डिस्पोजल करना बहुत ही जरूरी है। अब इनको डिस्पोजल करने के लिए जो है हम लोग कुछ विशेष विधि का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ मैंने दिया है कि तेलीय तरल गंदगी का निपटान सबसे कठिन होता है क्योंकि तेलीय गंदगी को पानी में बहाने से जलीय जीवों को क्या होता है, खतरा होता है। वहीं अगर इसे हम जमीन में बहाते हैं तो भूतल का पानी भी प्रदूषित हो जाता है तथा ये जमीन के उर्वरा शक्ति को भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं या फिर पूर्ण रूप से नष्ट भी कर सकते हैं।
इसलिए इनके निपटान के लिए जो है क्या करते हैं, हम विशेष तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अब ये विशेष तकनीक क्या है कि इस प्रकार के तरल गंदगी के निपटान के लिए जो है हम BPS सिस्टम का उपयोग करते हैं। BPS सिस्टम, अब ये क्या है ये हम लोग समझते हैं। इस प्रकार के सिस्टम में जो है क्या करते हैं, सबसे पहले ये तो जान लीजिए आप लोग कि BPS सिस्टम का उपयोग जो है सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में किया गया था और आज भी होता ही है ऑस्ट्रेलिया में। इस प्रणाली के अनुसार पहले तेल या गंदगी को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, फिर सेप्टिक टैंक में भरकर वैक्यूम पाइप के द्वारा आबादी से दूर सेप्टिक टैंक को ऐसे स्थान पर खाली किया जाता है जहां पर क्या होता है, भविष्य में उस स्थान का कोई उपयोग होने की संभावना नहीं रहती है। अब क्या होते हैं, इस सिस्टम के अंतर्गत ही गहरे कुएं खोदकर विशेष तकनीकी के द्वारा हम क्या करते हैं, तेल की तरल गंदगी का निपटान करते हैं। यानी BPS सिस्टम आप लोग सिंपल सी वर्ड में समझ लीजिए कि इसमें क्या करते हैं, एक टैंक होता है उसमें हम लोग उसको जमा करते हैं जो भी तरल गंदगी रहता है, और उस टैंक से एक पाइपलाइन जोड़ते हैं और उसको जो है बहुत दूर ले जा करके जहाँ पे कोई आदमी रहता नहीं है, या फिर भविष्य में कहीं वहाँ पे कोई रह नहीं सकता है, या फिर उस ज़मीन का उपयोग नहीं किया जाएगा, ऐसे स्थान पे उसको हम लोग क्या कर देते हैं, खाली कर देते हैं, उस टैंक का पानी को हम लोग फेंक देते हैं, जो भी तेलीय पदार्थ वाला मिक्सिंग वाटर होता है, मिक्सिंग क्या होते हैं, लिक्विड वेस्ट होता है उसको, है कि नहीं। और साथ ही साथ कुआं जैसा इसमें कुछ खोदते हैं हम लोग, और खोद करके इसमें उस गंदगी को क्या करते हैं, निपटान करते हैं। अब देखते हैं यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैप्स इन सीवर सिस्टम। अब देखिए क्या होता है ना कि हम लोग जब सीवर सिस्टम में पाइप जोड़ते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि बहुत तरह तरह के अजीब अजीब से पाइप हम लोग को जोड़ने पड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल से वर्ड्स में बताता हूँ कि कहीं पे मोड़ होता है तो वहाँ जोड़ देने के लिए हम लोग अलग टाइप का पाइप का यूज करते हैं, तो यही सब चीज़ें हम लोग इसमें जानेंगे। सीवर सिस्टम में ट्रैपों का उपयोग आवश्यक है क्योंकि इनके वजह से ही सीवर के गंदगी का क्या होता है, दुर्गंध जो है, जो बदबू होता है वो घर में नहीं आ पाता है। यदि सीवर लाइन में ट्रैपों का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि सीवर लाइन में जो भी होते हैं नमी उत्पन्न हो जाएगा तथा और क्या होने लगेंगे, उससे बदबू निकलेंगे और वापस घर में भी हम लोग का आने लगेगा। क्योंकि देखिए घर बहुत कोई ऐसे होते हैं ना कि हम लोग को जो टैंक बनाते हैं वो नीचे ज़मीन पे रहता है, उसके ऊपर में घर बना लेते हैं। ऐसे स्थिति में अगर हम लोग ट्रैप का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो गंदगी जो है सारा का सारा हम लोगों का घर में वापस से आ जाएगा, हम लोग घर में भी रह के नहीं पाएंगे, कोई चांस ही नहीं बनता है रहने का, है कि नहीं। ट्रैप कई प्रकार के होते हैं, ट्रैपों का उपयोग आवश्यकता अनुसार अलग अलग जगहों में अलग अलग किया जाता है। यानी जहाँ पे जैसा ट्रैप की आवश्यकता हुआ उसके हिसाब से जो है हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। अब फर्स्ट में जो है हमारे उनका वो क्या है, गुल्ली ट्रैप। अब गुल्ली ट्रैप क्या होता है, गुल्ली ट्रैप इमारतों के बाहर बनाए जाते हैं, ठीक है, गुल्ली ट्रैप याद रखना है, इमारतों के बाहर बनाए जाते हैं। ये बाथरूम वाश बेसिन सिंक की तरल गंदगी को बाहर निकालते हैं, यानी जो भी बाथरूम यूज हुआ या वाश बेसिन हम लोग वॉशरूम यूज करते हैं उनका हो गया, ये सारे पाइपलाइन जो क्या होते हैं, जो भी तरल गंदगी है उनको बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुल्ली ट्रैप का यूज करते हैं। ये एक सील ट्रैप होते हैं, इनकी न्यूनतम वाटर सील गहराई 50 mm होती है, यानी इनका जो साइज गहराई होता है वो 50 mm का होता है। ये कॉकरोच तथा अन्य कीटाणुओं के प्रवेश को भी रोकते हैं। गुल्ली ट्रैप निम्न प्रकार से होते हैं, ये जो है क्या कहते हैं कि जो भी घरों में होते हैं कॉकरोच हो गया, छिपकली हो गया, चूहे हो गए, इन सबको भी क्या होते हैं, टैंक तक जाने से रोकते हैं। अब ये जो है गुल्ली ट्रैप कई प्रकार के होते हैं, कौन कौन से ये हम लोग देखते हैं। फर्स्ट देखिए हमारा क्या है, पी ट्रैप। ये पिक्चर जो आप लोग देख रहे हो ये पी ट्रैप है हम लोग का, यानी इस टाइप के पाइप जो होते हैं, प्लम्बिंग जो होते हैं, वो हम लोग पी ट्रैप में इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग भारत में अधिकता से होता है, यानी हम लोग के यहाँ इसका सबसे अधिक होता है। पी ट्रैप कास्ट आयरन या UPVC सीट से बने होते हैं, यानी ये एक मटेरियल है कास्ट आयरन या फिर UPVC, इनके द्वारा ही क्या करते हैं, इनको बनाया जाता है। ये ट्रैप वाटर सील होते हैं तथा दुर्गंध को घर से
घर में, सॉरी दुर्गन को क्या होते हैं, घर में आने से रोकते हैं। ये हमारा पी ट्रैप है, इतना आप लोग समझ लेना है कि ये पी ट्रैप है। नेक्स्ट है हमारा एस ट्रैप। एस ट्रैप भी क्या होता है, पी ट्रैप के जैसे ही होता है, लेकिन इन दोनों में बस इतना अंतर होता है कि पी ट्रैप को दीवारों के सहारे आउटलेट के लिए लगाए जाते हैं। आउटलेट यानी बाहर निकालने के लिए, है कि नहीं। इनलेट होता है अंदर आने के लिए और आउटलेट बाहर निकालने के लिए, यानी कि जो पी ट्रैप होता है उनको हम दीवार के सहारे बाहर निकालने के लिए हम लोग लगाते हैं, जबकि एस ट्रैप को जो है फर्श पे यानी हमारे ज़मीन पे क्या करते हैं, बाहर निकालने के लिए लगाए जाते हैं। ये है हमारा एस ट्रैप। पिछला जो था हमारा वो क्या था, पी ट्रैप। अब ये हमारा क्या है, फ्लोर ट्रैप। फ्लोर ट्रैप यानी जाली भी बोल सकते हैं हम लोग। फ्लोर ट्रैप में क्या होता है कि फ्लोर ट्रैप को हम लोग फर्श पर या सिंक, वॉश बेसिन या जो भी वॉशरूम होता है, बाथरूम होता है, वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि नीचे इस टाइप से लगा हुआ रहता है। इससे क्या होता है कि पानी जो है इस जाली के माध्यम से बाहर निकल जाता है और हम लोग का जो भी चीज़ें वस्तुएँ हैं वो इसमें फंस जाती हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, फ्लोर ट्रैप कहलाता है। अब एक और है जैसे इंटरसेप्टिक ट्रैप। इंटरसेप्टिक ट्रैप क्या होता है कि इंटरसेप्टिक ट्रैप इमारतों के सीवर के अंतिम मेन होल में लगाया जाता है। ये जो है क्या होता है, एक पब्लिक सीवर के दुर्गंध को इमारत तक आने में यानी जो भी बिल्डिंग्स होते हैं वहाँ तक आने में इसको क्या करते हैं, रोकते हैं। कौन? इंटरसेप्टिक ट्रैप। और इंटरसेप्टिक ट्रैप जो है कई तरह के हो सकते हैं, इनमें से पहला जो है वो है ग्रीस ट्रैप। अब ग्रीस ट्रैप क्या करते हैं कि जो भी उपकरण गंदगी में से ग्रीस के कण होते हैं वो उसको क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेता है और जो हमारा सतह होता है वो उसको साफ रखता है। ये हमारा क्या है, बोटल ट्रैप। बोटल ट्रैप में क्या होता है कि इन ट्रैपों का उपयोग वॉश बेसिन और सिंक के नीचे किया जाता है। जो भी हम लोगों को क्या होते हैं, आप लोग देखे होंगे कि जो हम लोग ब्रश व्रश करते हैं जहाँ पे वहाँ पे जो बेसिन लगा होता है उसमें इस टाइप से लगे होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोटल ट्रैप बोलते हैं। फाइनली जो होता है ये हमारा होता है क्यू ट्रैप। देखिए क्यू जैसा लगता है कि नहीं, तो इसको हम लोग क्यू ट्रैप बोलते हैं। इन ट्रैप का उपयोग क्या होता है, टॉयलेट में किया जाता है। जो भी टॉयलेट होते हैं जो प्लम्बिंग करते हैं तो वह प्लम्बर जो है इस टाइप से इस ट्रैप का टॉयलेट में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे थे हमारा क्या, लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल के बारे में, जिसमें हम लोगों ने सब कुछ जान लिया। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, ऐसे जानने को तो बहुत कुछ है, आप लोग बुक और भी पढ़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, लेकिन जो मेन पॉइंट्स थे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि लिक्विड वेस्ट क्या होता है, उनके सोर्सेस क्या हैं, उनका डिस्पोजल कैसे करना है, उनके टाइप्स कौन कौन से हैं, ये सारा चीज़ हम लोगों ने जान लिया। और साथ ही साथ इनके निपटान में कि कौन कौन से ट्रैप्स का उपयोग करते हैं, किस स्थिति में कहाँ पे यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने इस टॉपिक पे क्लियर कर दिया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर आप लोगों से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।